Hello everyone, my name is Tarun Agarwal and I am a manager in Forever Living Products company. So basically आज जो webinar है हमारा, इस webinar का जो main purpose है वो ये है कि एक बहुत ही जबरदस्त एक business opportunity है जिसके बारे में मैं आपको एक presentation देने वाला हूँ इस webinar में. So आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को forever के बारे में, इस company के बारे में, इस बहुत ही शानदार business opportunity के बारे में कोई जानकारी नहीं है. So इस वेबिनार में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी अच्छी तरीके से समझाऊं कि ये किस टाइप का बिजनेस है और जिससे कि आपको हेल्प हो कि आप आगे डिसाइड कर पाएं कि आप इस काम को करना चाहते हैं कि नहीं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर ऑल माई नॉलेज अबाउट दिस बिजनेस एंड थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा इस वेबिनार में कि मैं रिलेट करूं कि मैं कैसे इस बिजनेस में आया और धीरे धीरे करके आप भी इस चीज को, जब उस वे में मैं चलूंगा इस वेबिनार को लेके, तो थोड़ा सा आप भी समझेंगे, थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे जो मेरी जो स्टोरी है, और साथ में आप भी समझ पाएंगे कि ये जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या ये आपके लिए भी है कि नहीं. सो ध्यान से सुनिएगा इसको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मेरा नाम तरुण अग्रवाल है. सो ईयर 2007 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, बेसिकली मैंने क्या किया था कि मैं सीधा जॉब में लग गया था ईयर 2007 में एंड आई वाज वर्किंग एज आईटी बिजनेस एनालिस्ट विद एचसीएल. ओके, सो लगभग मुझे 9 साल या उससे ज़्यादा का, थोड़ा सा 9 साल से ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में. और मेरा जो प्रोफाइल था वो था आईटी बिजनेस एनालिस्ट. इनिशियली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर देन मेरा प्रोफाइल मैंने स्विच किया टू आईटी बिजनेस एनालिस्ट. बट होता क्या है कि जब मैं जॉब में था तो उस टाइम पे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अच्छे ब्रांड है ये दोनों जो कंपनीज जिनमें मैंने काम किया, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, कोई टाइप की प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी सैलरी थी और फॉरेन जाने का भी मौका मिला बहुत बार. मैं अमेरिका, एम्स्टरडैम और लंदन, साउथहैम्पटन, बहुत जगह मैं घुमा थ्रू दिस माई जॉब वर्क. सो क्या है कि सब कुछ बहुत अच्छा था, बट एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मेरे माइंड में एक थॉट चल रहा था कि कब तक मैं इस जॉब को करता रहूँगा, राइट. तो मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे कुछ और कुछ करना चाहिए. अब अगर आप थोड़ा सा, मैं समझ रहा था कि मेरा जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा और कुछ करना चाहिए, मैं कुछ बिजनेस के आइडियाज़ की तरफ मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि कुछ नया काम अपना करूँ या फिर कुछ ऐसा कुछ किताबें पढ़ने लग गया. तो कुछ ना कुछ मतलब सीखने की कोशिश करता रहा कि थोड़ा सा मेरे माइंड में ऐसा हो गया था कि कुछ अपना कुछ करना चाहिए मेरे को. तो देखिए इस चीज़ को क्या था कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक स्टोरी के थ्रू अगर मैं रिलेट करूँ तो ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को कि एक बार एक छोटा एलिफेंट अपनी मदर एलिफेंट से पूछता है कि मम्मी क्या हम इस पूरी दुनिया के सबसे विशाल जानवर हैं. तो उसकी मम्मी कहती है हाँ भाई सबसे विशाल जानवर है. वो फिर से पूछता है कि मम्मी क्या हम इस पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर हैं. तो उसकी मम्मी कहती है हाँ भाई सबसे ताकतवर जानवर भी हैं. तो फिर से वो पूछता है कि क्या हम चाहें तो पूरा का पूरा जंगल उजाड़ सकते हैं, क्या इतनी ताकत है हमारे अंदर. तो उसकी मम्मी कहती है हाँ भाई है. बट उसकी मम्मी पूछती है कि भाई इस टाइप के थॉट्स कैसे आ रहे हैं तेरे माइंड में, आज क्या हो गया तेरे को. तो वो जो बेबी एलिफेंट होता है, बेबी एलिफेंट उनसे पूछता है कि अगर हम इस पूरी दुनिया के सबसे विशाल जानवर हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर हैं, हम चाहें तो झुंड में होके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो फिर हम सर्कस में क्या कर रहे हैं. तो कुछ यही मेरा थॉट चल रहा था उस टाइम पे. तो ईयर 2015 में मेरे माइंड में ये सब थॉट चल रहे थे कि अगर मेरा पोटेंशियल 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख महीना कमाने का है तो फिर मैं 1.5-2 लाख रुपए महीने कमा के क्यों संतुष्ट बैठूं. देखिए थोड़ा सा ये रिस्क तो होता ही है कि आप जॉब छोड़ के कुछ अपना कुछ काम करें ऑब्वियसली, लेकिन मैंने पूरा प्लानिंग करके और पूरा अच्छे से चीज़ों को समझ के मैंने अपना ही कुछ काम स्टार्ट करा, ये सोच के कि मैं एटलीस्ट इस एनवायरनमेंट से निकल के, एक रेड रेस से निकल के कुछ अपना कुछ काम करूं. और फिर मेरे माइंड में ये भी चल रहा था, देखिए इस काइट को देख के, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, ये जो काइट है इसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये सच है कि हर पतंग को एक दिन मिट्टी में मिल जाना होता है. ओके, ये सच है कि हर पतंग को कट के एक बार मिट्टी में मिल जाना होता है, बट उससे पहले उसको ऊंचाइयां उड़ के दिखाना होता है, राइट. सो कुछ ऐसे ही था कि ठीक है अभी लाइफ अच्छी चल रही है, अभी सब कुछ ठीक है, बट ये है
कि बढ़ने से पहले कुछ ऊंचा उड़ के दिखाएं, कुछ अच्छा करके दिखाएं, एटलीस्ट जो पोटेंशियल है पूरा पोटेंशियल तो यूज करें। तो यही थोड़ा सा माइंड में चल रहा था। और ईयर 2015, अगस्त 2015 में मैंने एक अपना एक स्टार्टअप मतलब लॉन्च किया था दिल्ली में, और मैंने अपनी कंपनी खोली थी जिसका नाम है वेबचैम्स आईटी सॉल्यूशंस। देखिए, जब मैंने अपना ये कंप्यूटर एकेडमी स्टार्ट करा, जिसमें हम लोग कंप्यूटर एकेडमी भी है और साथ में आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जिसमें हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, ये सब मैंने स्टार्ट किया। बट एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जब मैं 28 साल का था तब मैंने ये काम करना स्टार्ट किया। और एक 28 साल का आदमी जब कुछ अपना कोई धंधा करना स्टार्ट करता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं कोई धंधा ऐसा कोई स्टार्ट कर, ऐसा ही कोई मैं काम कर पाऊंगा जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब पिछले 8-9 साल से मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर लाइन में ही एक्सपीरियंस था और सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड ही मुझे नॉलेज थी। तो मुझे लगा अगर मुझे कुछ अपना कोई काम करना है तो मैं इसी इसी फील्ड से रिलेटेड ही कुछ काम कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया वेबचैम्स आईटी सॉल्यूशन अगस्त 2015 में दिल्ली में। और इसमें अभी भी हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीबीए, एंड देन और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाते भी हैं, और आउटसोर्स करके हम लोग मतलब आउटसोर्स भी कर लेते हैं कुछ काम को। तो ऐसे करके मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। तो मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लोग पार्ट टाइम मेरे साथ काम करते हैं इस काम में, सो मैंने ये स्टार्ट किया। बट जब मैंने ये स्टार्ट किया वेबचम साइटी सॉल्यूशन, तो उस टाइम पे मैंने एक चीज और रियलाइज करी कि अगर मैं अपने ही इंस्टीट्यूट में, अपने ही कंप्यूटर एकेडमी में अगर मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, तो क्या वो बिजनेस है या फिर वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात समझना ये था कि मेरे माइंड में फिर ये भी हुआ कि ये यहाँ पर भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जॉब में भी मेहनत करता था, यहाँ पर अपने खुद का जो ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने स्टार्ट किया उसमें भी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, और सब कुछ मेरे पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा अपने अपने जो बिजनेस जो मैंने खोला है, अगर मैं उसमें नहीं जाऊंगा तो फिर काम नहीं चलेगा। मतलब कि सब कुछ मेरे पे फिजिकली, मेरी फिजिकल बॉडी पे डिपेंडेंट था हर चीज। तो देखिए, अगर एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में, उसने सोचिए, अगर एक डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में जाके अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसको लगता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल लेता है और वहां पे अपने पेशेंट्स को देखता है, उसको लगता है कि वो बिजनेस कर रहा है। नहीं, वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। बिकॉज कल अगर डॉक्टर 3 दिन के लिए शिमला घूमने चला गया तो 3 दिन तक पेशेंट थोड़ी ना देखेगा, क्योंकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंडेंट है हर चीज। बट अगर वो डॉक्टर अपनी क्लिनिक में 5 डॉक्टर को बिठा दे और उसके पीछे से भी काम हो रहा हो, उसको बोलते हैं बिजनेस। ये सिर्फ मेरा थॉट है बिजनेस की डेफिनेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मुझे लगा कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फंस गया हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मेरा कोई बॉस नहीं था, जॉब में मेरा कोई बॉस था। सो ये था कि फिर मैं सोचा कि मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मैं फंस गया हूँ, मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए था। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्या बिजनेस मुझे चला रहा है या फिर मैं बिजनेस को चला रहा हूं। तो मुझे पता चला कि बिजनेस मुझे चला रहा था। तो ये हर एक ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, अगर आप अपनी कोई दुकान खोलते हैं तो आपको दुकान में बैठना ही पड़ेगा। बट कोई ऐसा काम करा जाए जिसमें अगर आप ना भी बैठे तब भी आप रुपये कमा रहे हो, जब आप सो रहे हो तब भी रुपया कमा रहे हो। तो कुछ इस वे में मैं सोचने लग गया। तो फिर एक बुक मैंने पढ़ी थी रॉबर्ट कियोसाकी की, तो उस बुक के हिसाब से, ये मेरे शब्द नहीं है, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी के शब्द हैं जो कि बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो उनके शब्द, उनकी बुक में बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम। चलिए से उसको कवर करते हैं। पहली इनकम जो होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी इनकम। देखिए, ऑर्डिनरी इनकम को वो कहते हैं कि ये एक रिस्की इनकम है। रिस्की इनकम का मतलब जहां पर आपकी बॉडी पे डिपेंडेंट कोई चीज, आपकी इनकम डिपेंडेंट हो, या फिर आपको रेगुलरली काम करना हो, या आपको एक एक्टिव इनकम, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जैसे कि सैलरी, जैसे कि कमीशन, मतलब कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है, अगर आप काम करना बंद कर दें कल तो आपकी सैलरी बंद हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, अगर मुझे रुपया आएगा, बढ़िया रुपया आएगा, लेकिन जब तक आप फील्ड पे उतर के अपने क्लाइंट्स को अपनी जो रियल एस्टेट की जो भी प्रॉपर्टीज है वो नहीं दिखाएंगे तो आपको रुपया नहीं आएगा। ये है रिस्की इनकम, बिकॉज ये सभी चीजें आपके फिजिकल बॉडी पे डिपेंडेंट है, लोकेशन डिपेंडेंट है। तो ये हर चीज डिपेंडेंट सी है, जब तक आपके हाथ पैर चलेंगे तब तक आपको इनकम आएगी। दिस इज ए रिस्की इनकम। ओके, दूसरी जो इनकम होती है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इनकम। ये जो इनकम होती है, यहां पर क्या होता है, देखिए ऑर्डिनरी इनकम में क्या हुआ कि आप रुपए के लिए काम कर रहे हैं, करेक्ट। पोर्टफोलियो इनकम में क्या होता है
कि आपका रुपया आपके लिए काम करे, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इनकम। जैसे से फॉर एग्जांपल आजकल म्यूचुअल फंड बहुत चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड हो गया, आरडी हो गया, एफडी हो गया, पीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया। तो इन सब जगह क्या होता है कि आप अपना रुपया इन्वेस्ट करते हैं, और वो सपोज आपने 10,000 रुपये लगाए, 10,000 के अगले साल 10 के 12,000 हो गए, तो ये जो 2,000 रुपये बढ़े ना, उसके लिए आपने किया कुछ नहीं, आपके रुपये ने आपके लिए काम किया। तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इनकम। तो आप चाहे जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, सेंसिबल होता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुपया इसमें लगाएं। बिल्कुल अलग बात है वो कि इन्फ्लेशन रेट कितना है कंट्री का और क्या है, वो सबको हम अलग साइड में रखें। तो देखिए रुपया ही रुपया बना रहा है, कम स्लो स्पीड है मैं मानता हूं, बट इसके लिए आपने काम कुछ नहीं किया, रुपया रुपया बना रहा है, बट उसके लिए रुपया होना चाहिए पहले, करेक्ट। तीसरी जो इनकम होती है, जो आजकल काफी ज्यादा लोग इसमें फोकस कर रहे हैं, दैट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आप, जैसे कहते हैं ना कि ऑर्डिनरी इनकम ऐसी इनकम होती है जो कि एक्टिव इनकम होती है, मतलब कि अगर आपको पानी पीना है तो आपको डेली गड्ढा खोदना होगा, डेली मिट्टी हटानी होगी और फिर आपको पानी मिलेगा। पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि आप खूब मेहनत करके एक बार में कुआं खोद दीजिए और जिंदगी भर पानी पीजिए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी पर डिपेंडेंसी नहीं होती, जिसमें आप कोई लोकेशन डिपेंडेंसी नहीं होती। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, बातें कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी है रुपया कमा रहे हैं। तो ऐसी जो इनकम होती है उसका एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे रियल इस्टेट। जैसे अगर आपके पास अच्छा रुपया है, ऑब्वियसली इसके लिए लेकिन रुपया चाहिए, और अगर आपने प्रॉपर्टी में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो काफी अच्छा उसमें आप रिटर्न ले सकते हैं। तो रियल इस्टेट में जैसे होता है कि आप प्रॉपर्टी आपने बनाई और 15,000 रुपये रेंट पे दे दिया, तो उन 15,000 के लिए जो ईंट पत्थर जिससे आपने प्रॉपर्टी बनाई है, वो ईंट पत्थर आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उसके लिए काम नहीं कर रहे, और खुद उस प्रॉपर्टी का रेट तो बढ़ ही रहा है। अगर अपनी प्रॉपर्टी में आप खुद ही रह रहे हैं तो वो पैसिव इनकम नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दे दिया और उससे रुपया कमा रहे हैं एवरी मंथ, तो डेट इज अ गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। दूसरा जो पैसिव इनकम का सोर्स है, वैसे बहुत सारे सोर्सेज आइडियाज हैं, बट दूसरा जो सोर्स है वो है ई बुक्स। अगर आप एक गुड राइटर हैं, एक अच्छे राइटर हैं, तो आप किताबें लिखिए। आज से सोचिए 10 साल पहले, 15 साल पहले चेतन भगत ने बहुत अच्छी किताबें लिखी थी, और आज तक उस आप 15 साल पहले के काम का आज तक वो खा रहे हैं, राइट। लेकिन अगेन अगर आपको ई बुक्स लिखनी है, बुक्स लिखते हैं, अगर आप एक अच्छा राइटर हैं, ऑथर हैं, तो सबसे पहले तो एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, राइटिंग स्किल अगर आपके पास है तो गुड, दैट्स अ गुड आइडिया। आजकल किंडल, अमेजन किंडल और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप ई बुक्स को डाल सकते हैं और अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर एक आइडिया एक और है कि जैसे आप आजकल देखते हैं ब्लॉगिंग, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स काफी चल गया है, यूट्यूब चैनल बनाते हैं लोग, तो यूट्यूब चैनल बना के भी हर एक व्यू का रुपया आता है, एडवर्टाइजमेंट का रुपया मिलता है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बना के रुपया लोग कमाते हैं, ब्लॉगिंग से रुपया कमाते हैं लोग, कुछ प्रोडक्ट के सजेशन दे के एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू रुपया कमा रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पैसिव इनकम के। और नेक्स्ट जो पैसिव इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग टर्म जो है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है पैसिव इनकम जनरेट करने का, बट अगेन आपको एक अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर हैं, आप इसमें बहुत तरक्की कर सकते हैं और खूब रुपया कमा सकते हैं, कोई अंत नहीं है रुपया कमाने का। और अच्छी बात क्या है कि इसमें अगर आप और ई बुक लिखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ऑथर होना चाहिए था, अगर आप रियल इस्टेट में लगाएंगे तो आपके पास रुपया होना चाहिए था। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपनी स्किल्स को जल्दी से, मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर काम करके बहुत जल्दी खूब तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा सोर्स है पैसिव इनकम का, एज पर रॉबर्ट कियोसाकी और जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, हमेशा एडवाइस करते हैं, हमेशा प्रेफर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को। हर किसी को इसमें इन्वॉल्व होना ही चाहिए। आप रुपया तो कमाएंगे कमाएंगे, बट उसके साथ इतना ज्यादा आपको लर्निंग होगी, इतना ज्यादा सीखेंगे आप, जो आप कभी ना तो MBA करके या कुछ और काम करके इतना कभी नहीं सीखेंगे। ओके, तो यही सोच के मैं सोचा कि अपनी पैसिव इनकम जनरेट करता हूँ अलोंग विद वेब चैम्स। तो मैंने स्टार्ट किया अपना ब्लॉग dailysource.com, जिसमें मैं अलग अलग टाइप के टॉपिक्स के ऊपर अपने थॉट्स लिखता हूँ। और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल, जिसके थ्रू भी एक अच्छा पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और प्लस फिर मैंने ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जो टर्म है, जो बिजनेस है, उसकी तरफ मेरा ध्यान गया और मैंने इसको पॉजिटिव वे में देखा। काफ़ी सारे मैंने रिसर्च करी इस कॉन्सेप्ट के बारे में और मुझे पता चला ये नेटवर्क मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो
तो इस कॉन्सेप्ट को जब मैंने अच्छी तरीके से देखा और मैंने रिसर्च करी इसके बारे में, फिर मैंने सोचा कि मैं किस कंपनी को, मतलब किस कंपनी में जाऊं, और फिर फाइनली मैंने कंपनी को ज्वाइन किया मई 2016 में, और उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसके बारे में आगे देखेंगे, बट ये थोड़ा सा मेरा था कि मैंने कैसे क्या क्या, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वेबिनार में, सिर्फ इतना समझिए आप कि किस माइंडसेट से निकल के फिर मैं यहाँ पर आया था। जॉब से निकल के बिजनेस, लेकिन वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उससे निकल के फिर पैसिव इनकम की तरफ ध्यान गया, वहां से नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा लगा, नेटवर्क मार्केटिंग से फिर मुझे फॉरएवर अच्छा लगा, फिर ऐसे करके मैंने इसको ज्वाइन किया। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हम समझें व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, तो अगर हम इस चीज इस कॉन्सेप्ट को ना, देखिए कोई फॉर्मल डेफिनेशन ना समझ के अगर हम देखें, जब मैं वेबचेम्स अपना कंप्यूटर एकेडमी चला रहा था, तो वहां पर जब भी हम किसी के लिए एंड्रॉयड या आईओएस की मोबाइल एप्लीकेशन बनाते थे किसी कस्टमर के लिए, तो कस्टमर हमेशा हमें बोलते थे, आप देखेंगे कि कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन जो आजकल आती है उन सभी में एक ऑप्शन होता है रेफर योर फ्रेंड, राइट। आप ओला कैब ले लो, मेक माई ट्रिप ले लो, कोई भी एप्लीकेशन ले लो, इन सभी एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो, और अगर आपके रेफरेंस से उन्होंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया तो आपको भी 50 रुपया, उनको भी 50 रुपया, एग्जाम्पल, राइट। तो दोनों का ही फायदा है। कंपनी ने क्या किया कि जो वो 50-60 रुपए जो आपको दे रही है कंपनी, वो सलमान खान या शाहरुख खान का ना देकर, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट में जो मोटा खर्चा होता है वो ना करके, उन्होंने आप ही को दे दिया, बिकॉज आप ही एक हमारी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आप ही लोगों को रेफर करते रहिए, राइट। इसी के ऊपर एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं इस वैकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं। इसमें एक योजना है रेफरल की, यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे, किसी मर्चेंट को समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, उसके मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रेरणा से वो 3 ट्रांजेक्शन करेगा, कभी 50 रुपए की चीज खरीदेगा, कभी 30 रुपए की खरीदेगा, कभी 100 रुपए की खरीदेगा, ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो एक अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर एक दिन में आप 20 लोगों को भी कर लें तो शाम को जेब में 200 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। अगर वैकेशन के 3 महीना तय कर ले भाई रोज 200 रुपया कमाना है, बताइए मेरे नौजवान साथियों, ये कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए? सामने से कुछ लेना देना नहीं, उसको सिर्फ सिखाना है, समझाना है। तो देखिए इस वाली वीडियो में क्या हुआ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ये साफ कह रहे हैं कि रेफर करके आपको भी फायदा और उसको भी फायदा, उसको भी फायदा, उसको भी फायदा। तो देखिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल करके आपने समझ लिया कि ये कैसे काम करती है, आप बस दूसरे को समझाइए, वो तीसरे को समझाएगा, वो चौथे को समझाएगा। तो एक्चुअली बात क्या है, ये सिर्फ रेफरल है और इसमें सभी का फायदा हो रहा है, करेक्ट। एक आईटी वे में, एक डिजिटल वे में एक बहुत ही अच्छी एक क्रांति सी आ रही है थ्रू रेफरल मार्केटिंग। और देखिए सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग के, कोई कहता है जोड़ना जोड़ाना, कोई कहता है कुछ 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 कुछ, लेकिन मेरा सिर्फ, मैं अगर अपने हिसाब से देखूं, जो मेरा नजरिया है इसको देखने का, वो ये है कि ये सिंपल रेफरल का ही तो काम है। आप कोई अच्छी मूवी देख के आते हैं तो आप बोलते हैं कि सलमान खान की मूवी अच्छी लगी, तो आपका जो फ्रेंड है, अगर आपने जैसा फीडबैक दिया है उस पर डिपेंडेंट होता है कि आपका फ्रेंड मूवी देखने जाएगा कि नहीं जाएगा, सही बात है कि नहीं। सिमिलरली ये रेफरल मार्केटिंग है, सिंपल, और ये सिंपल है अगर इसको सही तरीके से समझ के किया जाए, इट इज अ सिंपल बिजनेस। और मुझे लगा कि मैं हूं तो मैं आईटी का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे चीज़ों को बेचना तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा चीज़ों को बेचना तो है ही नहीं, यहाँ पे तो रेफर ही करना है। तो रेफरल मार्केटिंग को मैं अच्छी तरीके से मैं समझा, हर एक बड़ा बिजनेस रेफरल मार्केटिंग से ही चलता है, राइट। क्योंकि अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो वो आपको अच्छी सर्विस इसीलिए दे रहा है कि आप भी वापस आएं और आप भी 10 लोगों को साथ में लेकर आएं, इसलिए आपको अच्छी सर्विस दी जाती है एक अच्छे रेस्टोरेंट में, करेक्ट। सो यही होता है।
तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद मैंने एक और बुक पढ़ी जिसका नाम है हाउ टू बी रिच। देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव सा इसका बोलते हैं कि एक अट्रैक्टिव सा टाइटल है, हाउ टू बी रिच। तो एक राइटर है मिस्टर जे पॉल गेटी। तो ये जो है, ये जो राइटर है, ये कहते हैं कि देखिए अमीर बनने के ना सिर्फ तीन ही प्रिंसिपल्स होते हैं। तीन प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल का मतलब एक ऐसी चीज जो आज से 50 साल पहले भी एप्लीकेबल होगी, आज भी, और आपसे 50 साल बाद भी यही रहेगी, प्रिंसिपल्स। तो तीन प्रिंसिपल के बारे में, तीन प्रिंसिपल्स के बारे में ये डिस्कशन कर रहे थे उस बुक में लिखा हुआ उन्होंने। तो जो पहला प्रिंसिपल लिखा उन्होंने उस बुक में, वो था अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आप अपना खुद का धंधा करिए, राइट। अगर आप जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप रिच होने का सोच भी नहीं सकते, बिकॉज ये सच है कि आपकी जॉब आपको कभी भूखा तो नहीं मरने देगी, बट आपके कभी सपने भी पूरे नहीं होने देगी आपकी जॉब, राइट। सो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए एज पर जे पॉल गेटी। और वो ये कहते हैं बिजनेस भी करो, धंधा भी करो, तो कुछ ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का कुछ बिजनेस करो जो कि डेली यूसेज के कुछ हों। डेली यूसेज की कोई सर्विसेज हो, डेली यूसेज की कोई प्रोडक्ट्स हो, कुछ ऐसा धंधा करोगे तो बहुत जल्दी आप उसमें तरक्की कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल, डू योर ओन बिजनेस। दूसरा प्रिंसिपल जो वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ एक ही जगह से मत कमाइए, आप अलग अलग जगह से कमाइए। अगर आप सिर्फ एक ही जगह से, आप एक ही मतलब एक ही सोर्स से रुपया कमा रहे हैं, वो सोर्स कल बंद हो गया तो, अगर 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 आपके कमाने के मल्टीपल सोर्सेस हैं, एक बंद हो भी गया कोई बात नहीं, अब हो भी नहीं बनेंगे, दूसरे सोर्स, तीसरा सोर्स भी कमा के दे रहा है आपको। सो अर्न थ्रू डाइवर्सिफाइड सोर्सेस, इसी बारे में देखते हैं और आगे समझते हैं। और तीसरा जो उन्होंने बोला था, तीसरा प्रिंसिपल जो था वो ये था, आप कोई बिजनेस जब कर रहे हैं और आपके साथ आपके जो एसोसिएट्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, उनको भी आप पूरा मौका दीजिए कि वो भी कभी अमीर बन पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही अमीर बनते चले आ रहे हैं, दूसरों को भी तो मौका दीजिए कि वो भी अमीर बने, तो सबका फायदा होगा और आप सभी अमीर बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा उनका कहना था तीन प्रिंसिपल के बारे में। अब इसी को फॉलो करते हुए एक मिस्टर रे क्रॉक हैं, एक अमेरिका के थे। उन्होंने क्या किया, इन तीन प्रिंसिपल को फॉलो करके, पहला प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो करके बोला कि जैसे कि अपना खुद का धंधा करिए, तो उन्होंने जॉब छोड़ के सबसे पहले अपना एक धंधा करना स्टार्ट किया, और उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, और वो रेस्टोरेंट में उन्होंने खूब मेहनत करी, बहुत बढ़िया काम करा, और वो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हिट हो गया, बहुत ज़्यादा लोग कस्टमर हो गए और खूब अच्छा चलने लग गया, बहुत तरक्की करी, बहुत अच्छा। तो जब उन्होंने वो रेस्टोरेंट खोला, उसके बाद उन्होंने सोचा कि दूसरे प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। जो दूसरा प्रिंसिपल था क्या था, ये अर्न थ्रू डाइवर्सिफाइड सोर्सेज। तो उन्होंने क्या करा कि अभी उनका एक ही रेस्टोरेंट था, उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ उन्होंने मीटिंग करी, और उन्होंने उनको ऑफर दिया कि आप मेरे रेस्टोरेंट का जो ब्रांड का जो नाम है, उस नाम को यूज करके आप खुद अपना एक रेस्टोरेंट खोलिए, लेकिन किसी और सिटी में खोलिए, रुपया आपका होगा लेकिन ब्रांड नेम मेरा। अगर आप कल आप मेरे नाम से अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं तो डेफिनेटली मतलब लोग ट्रस्ट करते हैं मेरे खाने पे। क्वालिटी कंट्रोल अगर हम करें, सब कुछ करें, आपको सिर्फ अपना रेस्टोरेंट खोलना है, नाम मेरा होगा, मेरे रेस्टोरेंट का नाम होगा, और आप देखिए इन्वेस्ट करिए रुपया। तो बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था, बट उनमें से कुछ लोगों ने हाँ कर दी, और जिन लोगों ने हाँ करी, उन लोगों ने जब वो रेस्टोरेंट खोला तो वो भी अमीर बन गए, राइट। तो जो तीसरा प्रिंसिपल था ना, वो अपने आप ही टिक हो गया कि ये जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बहुत रुपया लगाया उनके रेस्टोरेंट, उनकी ब्रांड नेम के ऊपर, वो लोग भी अमीर बन गए। तो ये तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करके जो मिस्टर रे क्रॉक हैं, ये मैकडी के ओनर हैं, और ये जो मिस्टर रे क्रॉक हैं, ये इनको मरे हुए काफी साल हो गए, बट मैकडी अभी भी चल रहा है। इनके जो क्रॉक फैमिली है, ये अमेरिका की टॉप 10 या टॉप 15 रिचेस्ट फैमिलीज में आती हैं। और देखिए इनके इनको मरे हुए पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी लगभग 36,000 से ज्यादा मैकडी की फ्रेंचाइजीज हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, और बढ़ी रही है। और अगर आज एक फ्रेंचाइजी कहीं बंद भी हो जाए इंडिया में, तो उनको कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो इन्होंने डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से रुपये कमा रहे हैं, एक अच्छा अपना बिजनेस कर रहे हैं, और दूसरे लोगों को भी मौका दे रहे हैं जिन्होंने मैकडी की फ्रेंचाइजी ली है, उन लोगों को भी पूरा मौका दे रहे हैं कि वो लोग भी कभी अमीर बन पाए, राइट। तो यही मैंने जब ये वाली जब स्टोरी मैंने सुनी इनकी, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और इनके अगर हम देखें एक चीज़,
जो अगर मैकडी जैसा एक फ्रेंचाइजी मॉडल हम देखें तो ये सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी मॉडल है। सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी मॉडल का मतलब ये है कि सपोज कि अगर आज मैंने मैकडी की फ्रेंचाइजी ली हुई है मैकडोनल्ड्स की और मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है और उस काम को चलाते चलाते सपोज आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे पास आए, आपने मेरे को बोला कि भाई तुम्हारा बड़ा अच्छा काम चल रहा है या मुझे भी मैकडी की फ्रेंचाइजी दिला दो, तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा ये रहा मैकडी का कस्टमर केयर का नंबर, इनको फ़ोन कर ले और ले ले तू भी फ्रेंचाइजी। देखिए मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं उसको फ्रेंचाइजी दे पाऊँ अपने फ्रेंड को, मैं सिर्फ उसको नॉलेज दे सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। बट अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए होगी मैकडी की तो आपको मैकडी ही देगी, आपको मैकडी जो मैकडोनल्ड्स के जो मैनेजमेंट है वही आपको फ्रेंचाइजी दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी मॉडल है, मतलब कि मैकडी ही लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकती है बस। बट एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी मॉडल। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने किसी चीज़ की फ्रेंचाइजी ली हुई है और अगर मेरे कोई मित्र हैं वो भी अगर करना चाहते हैं उसी काम को, तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं उस फ्रेंचाइजी को आगे शेयर कर पाऊँ, आगे मैं दे पाऊँ, ट्रांसफर कर पाऊँ। तो इसको जो मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी जो होती है, फ्रेंचाइजी मॉडल जो होता है उसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। सिंपल, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में हम कहते हैं कि दूसरे लोगों को रेफर करो, दूसरे लोगों को लेकर आओ यहाँ पर, लेकिन वो देखिए आप फ्रेंचाइजी ही दे रहे हैं, आपको कंपनी ने अथॉरिटी दी है कि आप जो सीखे हैं, आप दूसरे लोगों को जो सिखा रहे हैं या शेयर कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, दूसरे लोग अगर आते हैं तो आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप उनका फॉर्म भर के आप उनकी पूरी अथॉरिटी की आप दूसरे आदमी को भी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। यही तो है सिंपल मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी मॉडल। तो देखिए इतना अच्छा मुझे लगा ये सब देख के समझ के, और मुझे लगा कि ये मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी मैं भी लेता हूँ और मैंने भी लिया ये। और मैंने सोचा थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, ये एक ऐसा बिजनेस मैं क्यों करूँ, राइट? तो इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, हर एक आदमी की एक अलग अलग वजह होती है कि मैं इस काम को क्यों करूँ। बट देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रुपया बहुत ही मिनिमम रुपया लगता है। इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी कंपनी में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अपना कोई रुपया ही नहीं लगाया, राइट? उन्होंने उनके पास पहले से कुछ लोग थे जो लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, उन्होंने ऑर्डर लिया एक तरीके से दुकान खोलने से पहले, उनके पास कस्टमर थे पहले से रेडी। तो ऐसा भी है, उन्होंने एक रुपया भी नहीं लगाया और लेवल अचीव कर लिया और आगे काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप कोई अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे ना, आपको रुपया लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रुपया बहुत ही मिनिमम लगता है और इजीली इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो वेरी लो इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। दूसरी बात, जहां पर रुपया ही नहीं लगा वहां पर रिस्क भी बहुत कम होता है, करेक्ट? तो अगर आप छोड़ना चाहें, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको छोड़ना बड़ा आसान है। अगर आपने बड़ा सा तामझाम बना रखा है, बहुत बड़ा एक बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तो उसको अगर आप क्विट भी करना चाहें ना, छोड़ना भी चाहें, तब भी आपको सालों लग जाते हैं बंद करने में। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क बहुत ही कम होता है क्योंकि रुपया ही बहुत कम लगता है। तीसरा बात क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको अपना कोई ऑफिस स्पेस की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई और धंधा करेंगे, आपको पहले सोचेंगे भाई मैं कहाँ दुकान खोलूँ, यहाँ पे आपको दुकान खोलने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। आपको अकाउंट कीपिंग के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से कोई रिसेप्शन पे किसी को बैठाने की जरूरत नहीं है, सारा काम कंपनी कर रही है, करेक्ट? तो नो नीड फॉर अकाउंट कीपिंग, नो ओवरहेड। अब देखिए जो अगर आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो बिजली पानी का खर्चा, ना किसी काम वाली का खर्चा, ना किसी चीज़ का खर्चा। सिंपल बात है कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही यूज नहीं हो रहा तो कोई ओवरहेड भी नहीं है, कोई बिजली पानी का खर्चा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एक तरीके से मंथली रनिंग कॉस्ट कुछ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए। नो बॉस, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका जो स्पॉन्सर होगा, जिन्होंने आपको रेफर करके बताया है, इसका अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाया है, वो आपका बॉस नहीं है, वो आपका स्पॉन्सर है, वो आपके मेंटर है, राइट? तो देर इज नो बॉस। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे और आपका सोशल सर्कल जो है ना बहुत तेजी से बढ़ता है। आज मैं जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मतलब सॉफ्टवेयर लाइन में था, बट आज मेरे कॉन्टेक्ट्स में इतने सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं जो आज मुझे जानते हैं, मेरा नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना सोशल सर्कल बढ़ाने का। अनलिमिटेड इनकम, देखिए जॉब में आप चाहे जितना मर्जी मेहनत करें, आपको पता है कि आपकी 1 तारीख को सैलरी कितनी आनी है। अगर सैलरी बढ़नी भी है तो आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा जब अप्रेजल आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है
जिसमें इनकम कितनी आपकी इस महीने आएगी वो आपकी अपनी मेहनत बताती है, आपके बॉस का जो है मूड नहीं बताएगा, ओके, आपकी अपनी मेहनत बताएगी कि आप कितना रुपया कमाएंगे। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, कोई एक्सपीरियंस कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। देखिए, आज से 10 साल पहले आपके 10th क्लास में 12th क्लास में कितने मार्क्स थे, इट डजेंट मैटर इन नेटवर्क मार्केटिंग। अभी इस टाइम पे आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, आप कितने जुनूनी आदमी हैं, वो बताएगा कि आप कितना रुपया कमाएंगे। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, पूछी नहीं जाती, आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर आप काम को करना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। दिस दिस गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी, ओके। टाइम लिवरेज, देखिए टाइम लिवरेज एक ऐसी चीज़ है, जैसे कहते हैं कि कोई भी आदमी अपने 2 हाथों से अमीर नहीं हुआ है, 100 हाथों से अमीर हुआ है, राइट। इसका मतलब यह है, सिंपल सी बात, कि अगर आप 9 घंटे काम कर रहे हैं अपने जॉब में, क्यों ना 9 घंटे आपके टीम में अगर 10 लोग हैं, अगर 9-9 घंटे काम कर रहे हैं तो 90 घंटे काम हो रहा है एक दिन में, करेक्ट। अगर आपके पास एक अच्छे रेफरेंस के थ्रू एक अच्छे लीडर से आपकी टीम में, नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे होता है, टाइम लिवरेज एक दिन में 200 200 घंटे, 500 500, 1000 1000 घंटे का काम होता है आपकी टीम में, और आप देखिए अनलिमिटेड इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। टाइम लिवरेज, फाइनेंशियल फ्रीडम, देखिए आज जैसे मैंने बोला कि अनलिमिटेड आप इनकम कमा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि अगर आप देखिए, एक तो होता है कि अपनी नीड पूरी करना, जैसे आप जॉब कर रहे हैं आपकी नीड पूरी हो रही है और आप सही आपका काम आप चल रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है शौक पूरे करना, ओके। आपका शौक है कोई चीज का और वो शौक आप पूरा नहीं कर पा रहे बिकॉज रुपये की प्रॉब्लम, रुपये मतलब फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप जो चाहें वो कर पाएं, रुपये की वजह से आप रुके नहीं किसी काम के लिए, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके। इंटरनेशनल ट्रैवल, देखिए मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रैवल के, बिकॉज जो कस्टमर्स होते हैं क्लाइंट होते हैं जो वो बाहर के ही होते हैं मोस्टली। इंटरनेशनल ट्रैवल मुझे अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी मिले थे बहुत, बट मैं जब भी वहाँ जाता था मैं सिर्फ काम करने के लिए जाता था। एक तरीके से मैं अमेरिका के होटल में बैठ के काम कर रहा हूँ, लोगों को लगता है कि अमेरिका घूमने गया हूँ, घूमने नहीं गया हूँ, कंपनी ने मुझे भेजा है अमेरिका में काम करने के लिए, तो मैं होटल में बैठ के काम करता था। पर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर आपको बाहर घूमने का मौका दे रही है कंपनी ना, तो वो सिर्फ घूमने के लिए दे रही है, एंजॉय करने के लिए दे रही है आपको, ओके। तो ये नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल हो सकता है कि आपके आपने जितना काम किया आपका रिवॉर्ड है ये, ठीक है, और आप एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए नहीं जा रहे वहां पर। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप चाहे रात में काम करें चाहे दिन में, कभी जब जब मर्जी काम करें जहां मर्जी काम करें, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। और आपका जो अपलाइन है, अपलाइन का मतलब क्या होता है, जिस आदमी ने आपको स्पॉन्सर किया है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आपका जो अपलाइन है वो आपके लिए दुआ करता है। देखिए ये आप अगर जॉब करते होंगे ना, जॉब में आपका बॉस इतना ही दुआ करेगा आपके लिए कि आप अगले दिन बस ऑफिस आते रहें और तो काम अच्छे से करें। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका जो अपलाइन है ना वो दुआ करेगा हमेशा आपके लिए, बिकॉज उसकी तरक्की आपकी तरक्की में छुपी हुई है, वो आपकी तरक्की के लिए दुआ करेगा ही करेगा। आप चाहे उसकी आपकी भली उनसे ना बनती हो आपकी अपलाइन से किसी वजह से, लेकिन फिर भी वो दुआ करेगा कि आपका काम अच्छा चले, बिकॉज आपका काम अच्छा चलेगा तो उसका भी अच्छा चलेगा। तो ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है जहां पे एक आदमी दूसरे आदमी की हेल्प ही करेगा, कभी उसको खराब नहीं करेगा, ओके। तो कितना अच्छी बात है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि योर अपलाइन प्रेज फॉर यू, बहुत अच्छा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं कोई कुछ नहीं, एकदम मजे वाला काम है, बढ़िया। तो ये सब है, कुछ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये है कि बहुत अच्छे अच्छे बात है इसके बारे में। अब देखते हैं आगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करते तो बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज इट्स फ्री अपॉर्चुनिटी, कोई भी आके इसमें रजिस्टर करके काम कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और कुछ लोग रुपया कमा पाते हैं और कुछ लोग रुपया नहीं कमा पाते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं, फेल इन द सेंस कि रुपया नहीं कमा पाते हैं वो लोग जितना वो एक्सपेक्ट करके आते हैं उस बिजनेस में। इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या चाहिए आपके अंदर जिससे कि आप सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बने, ओके। सक्सेस कैसे मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या आपके कोई ड्रीम है कि नहीं, राइट। ऐसा आदमी जिसकी ड्रीम्स अभी जगे हुए हैं ना, जिसके सपने अभी जगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि उसका वाई क्लियर है। वाई का मतलब इस काम को मैं क्यों करूं। सपोज आपको BMW खरीदनी है, तो आपका ड्रीम अगर बहुत ही ज्यादा
इंटेंसिव ड्रीम है, मतलब बहुत ज्यादा मुझे करना ही करना है, मुझे लेना ही लेना है। अगर आपके अंदर ऐसा कुछ जुनून है ना, जो आप सोचेंगे ना वही आपके साथ होगा। ओके, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर आप सोचेंगे गलत अपने बारे में तो होगा भी गलत। देखिए भगवान क्या कहता है, आप चाहे ये बोलें कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता हूँ, चाहे आप ये बोलें कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, भगवान सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं तथास्तु। जैसा आप सोच रहे हैं आपकी जिंदगी में वैसा ही होगा। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं एक ड्रीम, मतलब जैसे कहते हैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जैसे बात होती है, कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे BMW खरीदनी है, या आपने सोच लिया है कि आगे आने वाले 2 साल के अंदर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा, अगर आपने सोच लिया है तो एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि पॉसिबल कर सकता है। ठीक है, आपके पास एक डेफिनेट गोल है, सॉरी एक डेफिनेट एक ड्रीम है, ड्रीम सपने अगर हैं, सपने जगे हुए हैं। अगर देखिए जॉब में सपने मार दिए जाते हैं, अगर आपके पास सपने हैं अच्छे तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके सपने ही मरे हुए हैं, जस्ट 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए आए हुए हैं, तो फिर आपको अगर एक अच्छी जॉब मिल गई जिसमें 30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देंगे। आपके सपने अगर जगे हुए हैं ना तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका सपना है जैसे BMW गाड़ी खरीदनी है, होगा ही होगा, आप लगे रहे नेटवर्क मार्केटिंग में, होगा ही होगा। आप सोच रहे हैं जो भी आप कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं उस कंपनी में एक मैनेजर लेवल है या डायमंड लेवल है, जो भी एक अच्छा लेवल है उसको अचीव करना है, अगर आपने सोच लिया है ना तो वो होगा। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, एक बंदा जो एक अच्छा ड्रीमर है वो एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर बन जाता है। फिर आपके जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा करने के लिए आप अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके साथ बैठ के थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि मुझे BMW गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए बताइए, मेरा गोल सेट करिए, प्लानिंग करिए मेरे साथ। तो फिर आप जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने प्लानिंग, छोटी छोटी प्लानिंग करिए, जैसे से फॉर एग्जाम्पल इस 2017 के एंड में आपने छोटी प्लानिंग करी है कि आपको महीने का 1 लाख रुपये कमाना है। दिस इज अ नीड गोल, मुझे 1 लाख रुपये महीना कमाना है बस। तो BMW गाड़ी तो आएगी बाद में 2-3 साल बाद, लेकिन अभी मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है। ये अगर आपका गोल है ना, ऐसे गोल सेट आप करिए, और विद डेफिनेट डेट बाय द एंड ऑफ 2017, दिसंबर 2017 में 1 लाख रुपया महीना कंसिस्टेंटली कमाना है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर आप एक अच्छे ड्रीमर हैं, अगर आप एक अच्छे प्लानर प्लानर हैं, गोल सेट करके काम करते हैं, और तीसरा हमेशा आप एक्साइटेड हैं, अगर देखिए ये एक ऐसा काम है, एक्साइटमेंट का काम है। ओके, आप हमेशा एक्साइटेड रहेंगे और अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए रेडी हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 9 से 5 की जॉब में संतुष्ट हैं, खुश हैं, कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, 5 बजे के बाद घर पे आ रहे हैं, आराम से लेट के टीवी देख रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बातें बातें कर ली, फोन पे बातें बातें कर ली, खेल वेल लिए। देखिए ये सब क्या है ना, आप एक कंफर्ट जोन में फंसते चले आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। अगर आप इस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए रेडी हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, वो चीज़ आपकी ड्रीम जो है वो आपको निकालेगा वहां से। अगर आप ये करना चाहते हैं और आप एक्साइटेड हैं उस काम को करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ओके, ये तो 3 चीजें हैं, अगर आप इनको फोकस करके काम करें ना तो मैं बताना चाह रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत सक्सेस आपको मिल सकती है, ये मेरा जस्ट एक्सपीरियंस कहता है। अब देखते हैं कि थोड़ा सा मैंने रिसर्च करा कि चलो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, चलो वेरी गुड, ओके। बट ये मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा काम करना चाहिए कि जो कि आज के दौर में जिसकी रिक्वायरमेंट है, राइट? तो देखिए 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने बहुत रिसर्च करी इंटरनेट पे और मैं देखा टेररिज्म एक प्रॉब्लम हो गई, और डेफिशिएंसी ऑफ सब एसेंशियल फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है, नेचुरल जो भी नेचुरल चीज़ों की कमी हो रही है, सिमिलरली और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आजकल हम फेस कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने देखा कि हमारा जो बोलेंगे मेडिकल जो हमारा जो सिस्टम हो गया वो अच्छा हो गया, इन सेंस कि लोग लोगों लोग मतलब बीमारी से इतना मर नहीं रहे हैं, बिकॉज हमारे पास हर बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज है, लेकिन क्वालिटी लाइफ जो है ना, क्वालिटी लाइफ वो खत्म हो गई है। आदमी जो दिख रहा है बिल्कुल तंदुरुस्त और बढ़िया दिख रहा है ना, या तो वो मेंटली प्रॉब्लम में है, या तो जी तो रहा है, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, दिख तो रहा है आदमी सही लेकिन अंदर से पूरा खोखला है। तो सबसे अच्छी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अभी 21st सेंचुरी में वो ये है, पानी गंदा हो गया, हवा गंदी हो गई है, खाना खराब हो गया है, सब में किसी खाने में न्यूट्रिशन नहीं, कुछ नहीं है, तो जो क्वालिटी लाइफ है ना वो खत्म हो चुकी है। तो हेल्थ एंड वेलनेस एक ऐसा
बोलते हैं ब्रॉड एक डोमेन है हेल्थ एंड वेलनेस, जो कि इस एक तरीके से एक ऐसी इंडस्ट्री है ये, जो इंडस्ट्री आप देखेंगे बहुत तेजी से बूम कर रही है, और एक ऐसी इंडस्ट्री है जब तक इंसान जिंदा है तब तक ये बढ़ेगी बढ़ेगी, ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होने वाली, राइट। तो इस इंडस्ट्री के बारे में अगर मैंने देखा थोड़ा सा और रिसर्च करी तो देख मालूम चला, एक होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब दवाइयों का धंधा। तो दवाइयों का धंधा जो है वो 1 ट्रिलियन का है, डॉलर का। वेलनेस का मतलब जहां पे आदमी बीमार नहीं पड़ना चाहता, उसका जो बिजनेस है वो 3.4 ट्रिलियन डॉलर का है, ग्लोबल इंडस्ट्री जो है ये। आजकल क्या है, लोगों को ये समझ में आ गया कि बचाव सस्ता है इलाज महंगा है। लोग जो हैं आजकल के लोगों का जो माइंडसेट हो गया है बिकॉज ऑफ सो मैनी पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग, लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा खाएं, लोग चाहते हैं वो हेल्दी रहें। लोगों के पास रुपया बहुत है, लोग रुपया कमा रहे हैं, बट रुपये को वो एंजॉय करने के लिए उनके पास हेल्थ ही नहीं है। किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, प्रॉब्लम है। क्यों ना एक ऐसा कोई काम किया जाए जिसमें ये दोनों चीजें मिक्स होके आपको मिले, हेल्थ एंड वेल्थ। ओके, सो इसीलिए मैंने फिर देखा एक कंपनी को, जो मैं सर्च कर रहा था बहुत सारी कंपनीज के बारे में मैंने देखा, और मैंने देखा एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, एक बहुत ही अच्छी मुझे कंपनी लगी। जब मैंने उसके बारे में जब पहली बार सुना इस कंपनी के बारे में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, तो देखिए ये कंपनी को जब पहली बार देखा तभी मुझे इससे प्यार हो गया। ओके, देखिए क्या है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स वेलनेस से रिलेटेड बनाती है ये कंपनी। तो मैंने देखा वेलनेस का तो पता बड़ा अच्छा स्कोप है, ऊपर से नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, मैं समझ गया था। तो वेलनेस इंडस्ट्री एंड जो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इन दोनों का जो मिक्सचर है ना, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो देखिए वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स है ना आजकल देखेंगे, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, एनिमल केयर, ये एक ऐसे बड़े बड़े इतने बड़े बड़े मार्केट है ना। इवन कुछ कुछ इंडस्ट्री कंपनीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर की प्रोडक्ट बनाती है और बहुत रुपया कमा रही है। कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ पतले करने के लिए या मोटे करने के लिए प्रोडक्ट बना रही है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इतनी बड़ी कंपनी है कि न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, एनिमल केयर, इन सभी बड़े बड़े बिजनेस, सभी टाइप के इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। एक मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि रियली में इफेक्टिव हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि रियली में काम करते हैं, वो प्रोडक्ट्स सही हैं। तो चलिए ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे लगे। दूसरा मुझे जो अच्छा लगा है कि इस कंपनी का जो प्रोफाइल है ना, 160 लगभग लगभग 160 कंट्रीज में ये कंपनी ऑलरेडी है। देखिए मैं जिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पहले था उसकी जो मैं जिस कंपनी में था उसकी जो प्रेजेंस थी 15 या 20 कंट्रीज में थी, बट ये जो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि 160 कंट्रीज में बिजनेस है इसका। अगर आज मैं इस कंपनी को जोड़ता हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरा बिजनेस मैं 160 कंट्रीज में कर सकता हूँ, एक ग्लोबल बिजनेस मुझे मिल रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि बस मैंने यहाँ पे दिल्ली में खोल लिया तो सिर्फ मेरा बिजनेस दिल्ली दिल्ली में चल रहा है। इस बिजनेस को मेरे पास पूरे की पूरी अथॉरिटी है कि मैं इस बिजनेस को 160 कंट्रीज में कहीं पर भी कर सकता हूँ। ओके, ये कंपनी 39 ईयर्स ओल्ड है, जितनी मेरी उम्र नहीं उतनी बड़ी, तो उतने उससे ज्यादा इस कंपनी को चलते हुए हो गया टाइम, 39 ईयर्स ओल्ड। 39 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है। 39 ईयर्स में कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग पैदा हुए हैं, कितने लोग, मतलब 39 ईयर्स इज अ वेरी बिग टाइम। ओके, तो 39 ईयर्स से ये कंपनी चल रही है। इंडिया में सन 2000 में आई थी। ओके, और इंडिया में मुंबई में इनका हेड ऑफिस है और बहुत सारी जगह इनके ऑफिस हैं अभी इंडिया में। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि खुद का इनका प्रेजेंस है, सब चीज़ अच्छी है। फिर मैंने देखा ये पॉइंट, ट्रांसफरेबल बिजनेस। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जिसने मुझे बिल्कुल क्लिक कर गया, ये काम, ये जो पॉइंट है। देखो देखिए होता क्या है कि जैसे मैं एक आईटी इंडस्ट्री में था और मैं एक आईटी बिजनेस एनालिस्ट था, जो भी मेरी इनकम थी, अगर सोचिए मेरा जो 6 साल का जो बेटा है, जब वो बड़ा होगा, 24 साल का होगा, जब वो नौकरी में जाएगा, मान लीजिए नौकरी करता है, अर्निंग करता है, उस टाइम पे अगर उसको भी मेरे लेवल पे ही, मतलब मेरी जैसी नौकरी अगर करनी है, तो उसको भी बीटेक करनी पड़ेगी, उसको भी एमबीए करना पड़ेगा, और उसको भी मतलब सीखना पड़ेगा, और मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल से स्टार्ट नहीं कर पाएगा, उसको भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। बट ये एक ऐसा बिजनेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की इतनी अच्छी पॉलिसी है कि मैं अगर एक लेवल पे आ जाता हूँ, एक लेवल अचीव करता हूँ, और एक कंसिस्टेंटली कुछ रुपया मैं पैसिव इनकम के थ्रू जनरेट कर रहा हूँ, तो वो मैं मुझे कुछ होगा तो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा मेरी वाइफ को, पूरा का पूरा बिजनेस। अगर उनको कुछ होगा तो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा मेरे बेटे को। ट्रांसफरेबल बिजनेस, राइट।
तो कोई गारंटी नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो उसको भी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, बट यहाँ पे गारंटी है कि अगर मुझे कुछ होगा तो एज इट इज बना बनाया बिजनेस मेरे बेटे को मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज अ ट्रांसफरेबल बिजनेस। बहुत ही अच्छी पॉलिसी लिखी है। बहुत अच्छी बात क्या है कि इस बिजनेस को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को ज्वाइन करने के कोई रुपये नहीं लगता, ठीक है? ज्वाइनिंग फ्री है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है कि भाई आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई फिर से कुछ रुपया डालो, कोई रिन्यूअल फीस नहीं। और जो ट्रेनिंग्स हैं वो कंपनी बिल्कुल फ्री देती है, मतलब कि कंपनी कहती है कि खर्चा उनका और चर्चा आपके फ्यूचर का। खर्चा कंपनी करती है ट्रेनिंग देने में आपको, जितने भी इसके फॉरएवर के जितने भी ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारी जगह इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, फ्री ट्रेनिंग्स, जाके बस सीखो, मतलब लोग आपको सिखाने के लिए रेडी हैं। आपका बिजनेस अच्छा हो और आप एक अच्छा सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बने, अगर आप अच्छा रुपया कमाएं, उसके लिए कंपनी आपको फ्री में सिखा रही है। बिजनेस तो आप ही का है ना, लेकिन एडवाइस वो लोग दे रहे हैं फ्री में आपको, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, एक अच्छा बड़ा बिजनेस करना है, तो उसके लिए पहले आपको कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी होते हैं आपके अलग। आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए, कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए आपको पहले कुछ रुपया खर्च करना होता है। सीख के आएंगे तभी तो कुछ काम कर पाएंगे। बट ये जो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ज्वाइनिंग फ्री कराकर आपको फ्री में ट्रेनिंग देती है कंपनी की, आप सीख के काम करिए, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फाइनली, ये और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ये जस्ट एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बहुत ही सॉलिड मुझे कंपनी लगी। और बहुत ही अच्छी बात क्या लगा, इसका जो मार्केटिंग प्लान जो है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब कि मार्केटिंग प्लान देख के लगता है कि आप इसमें रुपया कमा सकते हैं, रियली में रुपया कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ज्वाइनिंग फ्री है, सब चीज़ें फ्री हैं, सीखते रहूंगा बस, मैं लेकिन रुपया नहीं कमाऊंगा। जब मैंने ज्वाइन करा उसको, मैं पहले महीने से रुपया कमा रहा हूँ। ओके, तो ये सब चीज़ें कुछ हैं बहुत ही अच्छी। अब थोड़ा सा एक वीडियो में दिखाना चाहूंगा आपको फॉरएवर लिविंग के बारे में। देखिए, ये एक अमेरिकन कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और ये इनका पूरा एलोवेरा का प्लांटेशन है। मेनली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में वर्ल्ड लीडर है। तो ये देख सकते हैं आप, एलोवेरा के जो प्लांटेशन यहाँ पे दिख रही है आपको, दुनिया के सबसे बड़े एलोवेरा के जो उत्पाद होते हैं वो यहीं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करती है। और देखिए, जितना बड़ा दिल्ली है ना, उतना बड़ा तो इनका सिर्फ एलोवेरा की प्लांटेशन है। बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा, दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन, राइट? अब देखिए, एलोवेरा जैसे सुनते हैं हमको थोड़ा सा लगता है एलोवेरा एलोवेरा का मतलब बहुत सारी कंपनी है, बट दिस इज द बेस्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी खुद ही करती है, खुद की इनकी लैंड है, खुद की इनकी ज़मीन है, खुद का इवन को जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सभी प्रोडक्ट को जो पैकिंग वैकिंग करना है सब कुछ कंपनी खुद ही बनाती है। मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस बिजनेस को चलाने के लिए। तो दिस इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, सारा इनका खुद ही का ही है। ऊपर से दिस इज कैश रिच कंपनी और डेब्ट फ्री कंपनी, मतलब कि इस कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा। ये जो कंपनी है ये बिल्कुल डेब्ट फ्री है, और कोई इस कंपनी के ऊपर, इसके मालिक के ऊपर कोई किसी भी टाइप का लोन नहीं है। ओके, तो ये कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि कंपनी बहुत सॉलिड है। तो देखिए, अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज द बेस्ट वर्ल्ड लीडर। ओके, सो एलोवेरा, देखिए अभी ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो नहीं है, बट ये है कि जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस टाइप के इनके प्रोडक्ट्स हैं। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला स्किन केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, सॉरी ये न्यूट्रिशन के, इन सब टाइप के प्रोडक्ट हैं। वेट मैनेजमेंट के हो गए। एलोवेरा जो होता है फॉरएवर का, वो चार टाइप के एलोवेरा होते हैं। एक जो ये जो येलो बॉटल आपको दिख रही है, इसमें लगभग 97% एलोवेरा है, और बाकी जो
3% है, 2.5 या 3% जो होता है वो होते हैं एसेंशियल हर्ब, जो कि इसको स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे इस बोतल के ऊपर भी लिखा हुआ है स्टेबलाइज्ड एलोवेरा। देखिए एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज होकर खराब हो सकता है। तो अगर आपने एलोवेरा, जो जैसे कहते हैं कि अगर आप इस एलोवेरा को जो फॉरएवर का है आप इसको अभी पियेंगे, या फिर अभी देखिए इसमें 4 साल तक ये एक्सपायर नहीं होता, अगर आप इसको बोतल से पियेंगे या फिर आप फ्रेश एलोवेरा के पत्ता निकाल के पिए खाएंगे उसको, बिल्कुल सेम है। और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके माइंड में आ रही हो कि एलोवेरा इसी का क्यों, ये हमारे घर पे भी लगा हुआ है और ये महंगा है सस्ता है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स, इस टाइप की जो आपकी बातें आपके माइंड में आ रही हैं तो वो बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज दीज आर द प्रीमियम प्रोडक्ट्स। एलोवेरा येलो बोटल हो गई, एक नेक्टर करके आता है जिसमें क्रैनबेरी एंड एप्पल का जूस होता है, एक होता है फॉरएवर फ्रीडम जो कि आपके जॉइंट्स के लिए और ओवरऑल बॉडी मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, एक बिट्स एंड पीचेस जो कि बहुत ही अच्छा है, इसमें पीचेस का फ्लेवर होता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सो ओवरऑल ये देखिए बहुत ही अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं और 160 कंट्रीज में बहुत सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इसको यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छी हेल्थ इसको लेते हैं। उसके अलावा देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से मैं जस्ट एक प्रोडक्ट और दिखा रहा हूँ आपको इस वेबिनार में, ये है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। टूथ जेल अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना, बेस्ट टूथपेस्ट इन दिस वर्ल्ड, तो आपको देखिए ये फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल आपको दिख ही जाएगा गूगल पे भी। देखिए ये एक ऐसा टूथपेस्ट है जो कि फ्लोराइड फ्री है। फ्लोराइड आप देखेंगे चाहे कोई भी आप टूथपेस्ट यूज करते होंगे उसमें फ्लोराइड होगा ही होगा, फ्लोराइड के बगैर टूथपेस्ट नहीं बना होगा। अब ये एक ऐसा टूथपेस्ट है जिसमें फ्लोराइड नहीं होता, और ये एक ऐसा टूथपेस्ट है जो सिर्फ दांत ही नहीं ओवरऑल माउथ हेल्थ के लिए अच्छा है, एंड इवन अगर आप उसको खा भी लोगे ना तो आपकी बॉडी में अच्छा ही करेगा बल्कि उल्टा, राइट? सो ठीक है, जब आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे आके तो आपको और थोड़ा सा और इन डेप्थ समझ में आएगा इसके बारे में। फिर ये एक है एलो एवर शील्ड जो कि बहुत ही अच्छा एक डियो स्टिक है। देखिए मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट जो इसमें दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, कुछ जो मेरे फेवरेट है मैं बस वो दिखा रहा हूँ। ये एक डियो स्टिक है जो कि आप रोल ऑन की तरह मतलब इसको यूज करेंगे, मेरा तो लगभग 1 साल से चल रहा है और बहुत ही बढ़िया अच्छी सी इसकी लॉन्ग लास्टिंग इसकी फ्रेग्रेंस है, तो बहुत ही अच्छा सस्ता अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है और मैं बोलूंगा कि इजीली आप इसको अफोर्ड कर पाएंगे और चलता बहुत है। एलो एवर शील्ड इट इज अ डिओड्रेंट स्टिक, बहुत ही बढ़िया, इवन स्किन स्किन पे आप लगाएंगे ना इसको तो आपकी स्किन के लिए, स्किन को अच्छा ही करेगा बल्कि उल्टा उल्टा, अगर आप कोई और डिओड्रेंट लगाते हैं तो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है वो। फिर मैंने आपको बोला था कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में ये बेस्ट है, तो मधु मतलब जो बी के इनके पास जो जो प्रोडक्ट है फॉरएवर के, बी हनी हो गया, रॉयल जेली, बी प्रोपोलिस, बी पॉलिन, तो ये भी सबसे अच्छे बहुत ही अच्छे प्योर बी हनी प्रोडक्ट है ये, और ये देख सकते हैं इस अपनी स्क्रीन पे और भी जो न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल जो भी प्रोडक्ट हैं और साथ में कॉस्मेटिक्स टाइप के भी प्रोडक्ट हैं, लोशंस और पर्सनल की स्किन केयर के बहुत अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये देखिए ये जो इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना फॉरएवर के पास अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कोई स्किन केयर का है, कोई न्यूट्रिशन का है, और एक एक प्रोडक्ट मैंने मोस्टली प्रोडक्ट मैंने खुद से ट्राई किए हुए, मेरे घर पे बहुत सारे लोग सभी लोग ऑलमोस्ट यूज करते हैं फॉरएवर का जो भी प्रोडक्ट है, और हमको मतलब इन प्रोडक्ट से ही प्यार हो गया है। देखिए इनिशियली आप इसको एक अलग नजर से देख रहे हैं, आपको फर्स्ट टाइम शायद सुन रहे होंगे इस कंपनी के बारे में, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपको लग रहा होगा जस्ट हाँ चलो एक और कंपनी है, चलो हर एक कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बोलती है, लेकिन नहीं। देखिए मैं आपको बोलूंगा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप विश्वास तो कर लेंगे, हाँ शायद आप बोल रहे हो तो शायद अच्छा ही होगा, लेकिन जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि रियली में प्रोडक्ट अच्छे हैं। देखिए प्रोडक्ट को कितना भी अच्छा बोल लिया जाए बट प्रोडक्ट अगर खाने के बाद या लगाने के बाद अगर काम ना करें तो अल्टीमेटली मार्केट में फैल जाता है यार ये प्रोडक्ट काम तो करते नहीं है। देखिए 160 कंट्रीज में है, लगभग 40 साल से चल रही है कंपनी, प्रोडक्ट इफेक्टिव है इसीलिए चल रही है। सो प्रोडक्ट जो रेंज है वाइड वैरायटी ऑफ रेंजेस हैं, और यह है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आजकल एक लग्जरी नहीं है, एक नीड बन चुकी है, न्यूट्रिशन इज नाउ ए नीड। तो ये नीड वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई ऐसा धंधा करें जो कि डेली यूज का प्रोडक्ट हो, ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि घर में अगर 5 लोग हैं ना तो पांचों के पांचों यूज करेंगे इसको, चाहे वो टूथपेस्ट यूज करें, चाहे वो एलो हीट लोशन यूज करें, चाहे एलोवेरा पिए, चाहे वो कैल्शियम की मेडिसिन सॉरी कैल्शियम की चीजें खाएं, कैल्शियम की गोलियां खाएं। और देखिए इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं आते, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं,
न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन्स बिल्कुल नहीं है ये। ओके, तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। अब बात करते हैं कि पहला स्टेप क्या है, जब हम अगर मान लो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, एक जो बहुत ही अच्छी कंपनी है उसके बारे में अगर हम देखें, तो अगर हमको ये कंपनी को में अगर हमें भी काम करना है तो क्या करना है हमें। सबसे पहला स्टेप तो क्या है, आप जब कंपनी में, जब आप इस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा। और जैसे ही आप, और एक ऑनलाइन फॉर्म है एक और एक ऑफलाइन फॉर्म है, जब आप उसको फिल करेंगे ना, उसके बाद आपकी अपनी एक आईडी जनरेट होगी। और आईडी जनरेट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ नॉलेज गेन करिए, सिर्फ नॉलेज गेन करिए। बस आप ज्वाइन करके फॉरएवर के जितने भी ट्रेनिंग्स हैं सब अटेंड करिए, सबके सब सीखिए, सिर्फ सीखिए। पहला स्टेप मेरे हिसाब से क्या है, नॉलेज। जब तक आपको एक अच्छी नॉलेज नहीं हो किसी चीज की, तब तक आप दूसरे आदमी को समझाने मत चले जाइए। ये काम सीखने सिखाने का है, सीखे कुछ है नहीं, आप सिखाने चले जाएंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू गेन नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज, कंपनी की नॉलेज। तो कैसे लेंगे, फॉरएवर की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, आप भी देख सकते हैं आपके जिस एरिया में भी आप रह रहे हैं उस एरिया में भी डेफिनेटली ट्रेनिंग होती होंगी। फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको खुद यूज करिए। देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा कि एलोवेरा कैसा टेस्ट करता है, कैसा दिखता है, जब आपने खुद ही यूज नहीं किया होगा ना, तो आप बोलेंगे, आप उसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे। तो जो आज जिसने प्रोडक्ट खुद से यूज करे हैं और उनको कोई फर्क पड़ा है उस प्रोडक्ट का, तो सबसे अच्छी नॉलेज उसी को होती है जिसने रियली में उसको एक्सपीरियंस किया। तो मैं ये बोलूंगा कि प्रोडक्ट को यूज करिए, आपको एक अच्छी नॉलेज होगी प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट की बहुत सारी बुक्स हैं फॉरएवर की, वो बुक्स को रीड करेंगे तो आपको अच्छी नॉलेज होगी। और यूट्यूब में और वीमियो में फॉरएवर के कुछ वीडियोज हैं, उनको देखिए अपनी नॉलेज इन्हेंस करने के लिए। सोशल मीडिया में, फेसबुक ट्विटर में फॉरएवर के जो भी पेजेस हैं और जो भी चैनल हैं उनके, वो सभी जगह आप उनको फॉलो करिए और देखिए फॉरएवर को जस्ट एक्सप्लोर करिए। और इस टाइप के जैसे हम वेबिनार कर रहे हैं या जो भी टॉक इवेंट्स होते हैं फॉरएवर के, उनको अटेंड जरूर करते रहिए। देखिए, अभी आप सिर्फ नॉलेज मोड में चाहिए इनिशियली, जब आप ज्वाइन करते हैं तो इस कंपनी को या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, मतलब अपने आप को तैयार करिए पहले, दूसरे लोगों को तैयार मत करिए, सबसे पहले खुद को तैयार करिए। जब आप खुद को तैयार कर लेते हैं ना, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, फिर ये नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपके जो भी नॉलेज है ना, उस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करिए। बस सिंपल है, आपने जो नॉलेज ली है प्रोडक्ट की या मार्केटिंग प्लान की या बिजनेस की, जो भी है नॉलेज आपको, वो आपके जितने भी नोन्स हैं ना, उनको सिर्फ सजेस्ट करिए, ओनली सजेस्ट। बेचने की कोशिश नहीं करनी है, हम कोई सेलर तो है नहीं। दूसरा स्टेप क्या है कि जस्ट स्टार्ट रेफरिंग पीपल, एंड देन जो भी लोग आपके रेफरेंस से अगर दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, अगर वो भी उसी नज़र से इस काम को देख रहे हैं जिस नज़र से आप देख रहे हैं, और वो भी आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठना चाहते हैं, तो उस केस में वो भी आपकी गाड़ी में बैठने के लिए इनवाइटेड है, एंड देन यू कैन ग्रो योर टीम। ओके, सो आप अपने जितने भी नोन्स हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं थ्रू एन ऑनलाइन प्रोसेस, फॉरएवर का एक है, उस ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू फ्री में ज्वाइनिंग कर सकते हैं वो लोग। एंड ज्वाइन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिसको बोलते हैं, उनको जो फॉरएवर के जो 12 डिजिट की जो आईडी मिलेगी, उससे फिर वो फॉरएवर की वेबसाइट में लॉग इन करके अपना पूरा बिजनेस देख सकते हैं, जो भी लिटरेचर्स हैं सभी चीज़ें उनके लिए इनेबल होएंगी। ओके, तो जैसे मैंने क्या बोला, ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ एक पैन कार्ड देना होगा, एक आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ देनी होगी इंडिया में, और एक ऑनलाइन फॉर्म आता है और एक और एक ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ खरीदना भी पड़ेगा, लगभग 1,000 रुपये का सामान, लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसको ज्वाइन करना चाहेंगे तो डेट इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें दिखा दूँ, फॉरएवर लिविंग की जो वेबसाइट है, जब आप फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट पे जाएंगे, दिस इज अ वेबसाइट, तो फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट पे जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप अपनी कंट्री चूज करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 160 कंट्रीज में है, तो जैसे सपोज इंडिया हमने चूज करा, और इंडिया चूज करने के बाद फिर यहाँ पर अगर आपने फॉरएवर लिविंग को, आपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, तो आपको आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, तो फॉरएवर बिजनेस ओनर लॉग इन, यहाँ से करके फिर आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। आपको जो आईडी पासवर्ड मिलेगा उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करिए। ओके, ये मेरा आईडी है, ये ज्वाइन करने के, देखिए फ्री में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कंपनी क्या कह रही है, आपने पोर्टल का एक्सेस दे दिया, और उस पोर्टल का एक्सेस मिलने के बाद आप लॉगिन करने के बाद आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि इसमें जब लॉगिन कर लेंगे आपका नाम यहाँ पे दिखेगा, और साथ में आप यहाँ पर डाउनलोड्स में जाकर जितने भी फॉरएवर का लिटरेचर्स हैं, किताबें हैं, जो भी हैं,
वो सब आप पढ़िए और सीखते रहिए, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, ब्राउचर्स हैं कुछ, प्राइस लिस्ट है, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे शॉपिंग का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो फॉरएवर का जब आप लॉगिन कर जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पोर्टल का एक्सेस आपको मिल जाता है। अभी तक बिल्कुल फ्री रहा, कुछ भी आपसे कंपनी ने नहीं मांगा। और उसके बाद आप मार्केटिंग प्लान में हम आप ही थोड़ा सा देखते हैं आगे। मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जब आप एक लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, उस लेवल के बाद फिर आप खुद से भी अगर आप लोगों को अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो बॉटम में यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑनलाइन लिंक जनरेटर। यहाँ पे आप अपनी 12 डिजिट की जो आईडी डालेंगे ना, जो आपको फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी मिलेगा, यहाँ से आप अपना खुद का ऑनलाइन लिंक जनरेट कर सकते हैं। और इसको जब आप कॉपी करके कहीं पेस्ट करेंगे, किसी अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे, और वो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस लिंक पे, ये आपका खुद का एक रेफरल लिंक हो गया एक तरीके से। और इसको यूज करके फिर आपके कोई रेफर आपके रेफरेंस में कोई ज्वाइन करना चाह रहा है वो ज्वाइन कर लेगा, और आपके साथ रजिस्ट्रेशन उसका कंप्लीट हो जाएगा। ये सिंपल सा ऑनलाइन फॉर्म है, पैन कार्ड, ये सभी चीज़ें बिल्कुल मैंडेटरी हैं फिल करना, ये सभी चीज़ें बिल्कुल मैंडेटरी है। एंड देन स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि आपके थ्रू रेफरेंस, या आपका रेफरेंस होगा, आपके रेफरल लिंक होगा, तो आपका नाम यहाँ पर आएगा, जैसे इसमें मेरा नाम दिख रहा है। जैसे ही वो फॉर्म को सबमिट कर देंगे और अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड और साथ में इसका एक PDF फाइल जनरेट होगी, इन तीनों चीज़ों को फॉरएवर के ऑफिस में जाके जमा कर दीजिए साइन वाइन करके, बस आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और आप इस पोर्टल में एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, हम थोड़ा सा देखा आपके जो स्पॉन्सर है आप उनसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में कि कैसे इसको ज्वाइन करना है। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लेते हैं मार्केटिंग प्लान इनिशियली, जो इतना आपको आना समझ में आना चाहिए इस टाइम पे उतना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं इज एब्सोल्युटली फ्री। जब आप रजिस्टर करते हैं तो जो पहला स्टेप जो होता है वो होता है आप एज अ नोवस कस्टमर, एज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आप रजिस्टर करते हैं कंपनी में। और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आपने रजिस्टर किया तो आपको, अब आप कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, तो आपको 15% ऑफ बोनस रिकैप प्राइस, एक बोनस रिकैप प्राइस होता है, उसका 15% आपको ऑफ मिलेगा कुछ भी आप खरीदें। देखिए कंपनी आपको क्या बोल रही है, क्योंकि आप किसी के रेफरेंस आपने ज्वाइन किया है तो इसलिए आपको 15% आपको ऑफ मिल रहा है, क्योंकि आप किसी के रेफरेंस से आए हैं इसलिए। अब आप किसी भी 2 महीने में, अब आप आके देखेंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जिसके नीचे 2CC लिखा है। देखिए CC का मतलब होता है केस क्रेडिट, ओके, केस क्रेडिट। और केस क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, हर एक प्रोडक्ट के साथ एक केस क्रेडिट होता है, मतलब एक तरीके से उसकी वैल्यू होती है, पॉइंट्स वैल्यू जिसको बोलते हैं। जितना किसी भी 2 महीने में, कंपनी बोल रही है कि किसी भी 2 महीने में अगर आप 2CC का बिजनेस कर लेते हैं अपनी आईडी से, किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में, ओके, जैसे कि सपोज नवंबर दिसंबर, तो नवंबर में अगर आपने 1CC का काम किया, 1CC का काम अगर दिसंबर में करते हैं तो आप इस लेवल को क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए मार्केटिंग प्लान थोड़ा सा आप अलग से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ। किसी भी 2 महीने में अगर 2CC का काम, जो कि अभी जिस टाइम पे मैं ये हम लोग वेबिनार कर रहे हैं उस टाइम पे 2CC का वैल्यू लगभग 28,500 रुपये है, 15% ऑफ के बाद, सब चीज़ों के बाद, विद इंक्लूडिंग GST एंड एवरीथिंग, लगभग 28,500 जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम ये मैं बता रहा हूँ। तो लगभग 28,500 का सामान अगर किसी भी 2 महीने में अगर आप इतना बिजनेस कर लेते हैं तो फिर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आ जाते हैं। इस लेवल पे आपका फायदा क्या होता है, ये जो भी लेवल है ये परमानेंट लेवल है। परमानेंट का मतलब क्या है कि कोई डिमोशन नहीं है इसमें, ओके। इस लेवल पे आने के बाद अब आपको कंपनी कह रही है कि 30%, जो अभी तक 15% ऑफ मिल रहा था, अब कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको 30% ऑफ मिलेगा, और प्लस 5% पर्सनल बोनस। मतलब कि सपोज आप 1,000 रुपये की चीज ले रहे हैं तो आपको 700 रुपये की पड़ रही है, और 5% ऑफ 1,000 रुपीज, मतलब 50 रुपये और, मतलब कि 1,000 रुपये की चीज लगभग 650 रुपये की पड़ी, राइट। मतलब ये जो 5% है ना, ये आपको चेक के फॉर्म में मिलेगा 15th of every month, आपके अकाउंट में रुपया क्रेडिट होता है थ्रू फॉर एवर, अगर आपने अपनी अकाउंट डिटेल दी हुई है वहां पे। तो ये है कि आपका कमीशन पड़ता है, मिलता है यहाँ पर। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही मैं कह सकता हूँ कि यहीं से बिजनेस स्टार्ट होता है। अगर आप एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नोवस कस्टमर हैं, तो आप किसी को रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी कह रही है अभी आप सिर्फ कस्टमर हैं, अभी आप खुद से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं। लेकिन आप किसी 2 महीने में अगर 2CC का बिजनेस कर लेते हैं तो उस टाइम पे फिर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे, वहां से अब आप लोगों को रेफर कर सकते हैं, और आपके रेफरेंस से अगर कोई
आपके रेफरेंस से कोई अगर रजिस्टर करता है तो कंपनी आपको हर एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी वो कुछ भी परचेज करेंगे उसका 15+5 मतलब लगभग 20% आपको कमीशन में देगी अगर आप किसी आपके रेफरेंस से किसी ने ज्वाइन करके कुछ अगर सामान खरीद रहे तो। ओके देखिए इस फोटो के फॉर्म में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं समझा पा रहा हूँ मार्केटिंग प्लान में, इसका कोई अलग से हम लोग वेबिनार करेंगे। अब इस लेवल के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद अब टीम आपकी बनती है, मतलब कि आपके रेफरेंस से लोग ज्वाइन करते हैं और सामान लेते हैं, सामान को ट्राई करते हैं और आप उनको ट्रेन करते हैं, मतलब आप जो सीखे हुए हैं बस वो सिखाते हैं आगे। और आपके रेफरेंस से जब आपके लोग, इसमें कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है, आप कितने भी लोगों को अपने डायरेक्ट में आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आपके रेफरेंस से जिसने ज्वाइन किया है अगर वो लोग भी काम करते हैं, वो लोग भी अपने और लोगों को रेफर करने करते हैं किसी भी 2 महीने में अगर आपकी पूरी टीम मिलाकर 25 सीसी का काम कर लें तो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है कंपनी, और वो लेवल है सुपरवाइजर लेवल। और इस लेवल पे अब क्या होता है कि जो 5% कमीशन था ना वो कमीशन अब 8% हो जाता है, ठीक है, तो मतलब कमीशन बढ़ता है। सिमिलरली ऐसी किसी 2 महीने में 75 सीसी तो कमीशन 13% हो जाएगा। फिर किसी 2 महीने में अगर 120 सीसी हो जाता है जो कि मैनेजर लेवल अगर आप क्वालिफाई कर लें तो मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल है जो कि एक ड्रीम लेवल है किसी के लिए भी। अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ही अच्छा आप अर्न करने का प्लान कर सोच सकते हैं आप, मतलब 1 लाख से ऊपर आराम से एज अ मैनेजर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग आराम से 1 लाख रुपया कमाते हैं मैनेजर लेवल पे। तो मैनेजर लेवल पे देखिए कमीशन भी बढ़ जाता है, प्रोडक्ट भी आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाते हैं, 30% तो डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन 18% आपको कमीशन मिलता है। आपकी जो टीम है वो लोग जितना काम करेंगे आपको एक पैसिव इनकम, एक अच्छी इनकम जनरेट होती है आपकी। तो ये मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें हर किसी को अगर देखेंगे फॉरएवर में बहुत ही रेस्पेक्टेबल एक पोजीशन होती है। तो यही एक मार्केटिंग प्लान है। बाकी मैनेजर के बाद भी बहुत सारे कंपनी कार प्लान है कंपनी का, कंपनी के डोमेस्टिक टूर्स हैं, इंटरनेशनल टूर्स हैं, ये सभी चीज़ें जो होती हैं मैनेजर के बाद ही अवेलेबल होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं टिल मैनेजर, अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया। और वॉल्यूम बोनस होते हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की इनकम्स होती हैं जो कि आप कमा सकते हैं फॉरएवर में। देखिए ये जो मार्केटिंग प्लान जो मैंने पहली बार समझा था देखा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मैं दूसरी बार समझा तभी ज़्यादा मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई, ज़्यादा समझ में नहीं आया, तीसरी चौथी बार में जाके मुझे समझ में आया। और जब मुझे समझ में आया तो मुझे रात को नींद नहीं आई क्योंकि मैं ये समझ गया था कि मैं इस मार्केटिंग प्लान से रुपया बहुत कमा सकता हूँ। देखिए अगर मैं दूसरे लोगों को रेफर ही तो कर रहा हूँ बस, जो मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के कर रहा हूँ वही मैं मैनेजर बन के करूँगा, बस मेरा कमीशन कंपनी ने बढ़ा दिया क्योंकि मेरे रेफरेंस से लोग बहुत सारे आ गए, मेरा काम बहुत अच्छा चलने लग गया, मेरी टीम काम कर रही है, मेरे लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, एक अच्छी टीम हमने बनाई, एज अ मैनेजर बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही जनरस मार्केटिंग प्लान है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। और फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान क्या और अच्छे से देखिएगा आप आगे, हम आगे और करेंगे वेबिनार इसके ऊपर। मार्केटिंग प्लान के बाद हम देखते हैं कि फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर कंपनी की एक अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका नाम है डिस्कवर फॉरएवर। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, अबाउट कंपनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फॉरएवर का एक अपना एक टूल है FLP 360 जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग टूल है, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें अपने पूरा, बहुत सारी कस्टम रिपोर्टिंग्स हैं, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं इसमें बहुत अच्छी अपने बिजनेस की। तो ये भी बहुत अच्छा एक टूल है जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ इसको अपने बिजनेस को चलाने के लिए। और ये मुंबई जो फॉरएवर का जो कस्टमर केयर नंबर है और ये जो है फॉरएवर का जो ईमेल आईडी है यहाँ पर है एडमिन का। और अभी ये जो फोटो आपको दिख रही है इसमें यहाँ पे फॉरएवर के ऑफिस हैं अभी इंडिया में, और भी कोलकाता में गुवाहाटी में ऑफिस खुल गया है, और भी ऑफिस खुल रही है कंपनी और ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत स्पीड से कंपनी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी ये जो ऑफिस है यहाँ तो ट्रेनिंग्स होती ही हैं, उसके अलावा और भी ऑल ओवर इंडिया में मंथली ट्रेनिंग कैलेंडर आता है और जिसमें आपके एरिया जिस भी आप सिटी में है मोस्टली मोस्ट ऑफ द इंडिया इज कवर्ड एंड ट्रेनिंग्स फ्री ट्रेनिंग्स कंपनी प्रोवाइड करती है। देखिए अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंपनी बहुत ही सॉलिड है जिसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि बहुत ही सिक्योर, बहुत ही एक अच्छी कंपनी है। लेकिन बात क्या है, ये तो थोड़ी सी मेरी स्टोरी थी कि मैंने इसको किस नज़र से देखा, मेरे लिए कैसे, मैं कैसे इसमें तरक्की किया।
लेकिन हल्का सा भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वो सब ठीक है लेकिन अभी भी इस कंपनी को मैं करूं, ये काम मैं करूं कि नहीं करूं, मैं इसको कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, अगर आपके माइंड में ये सब क्वेश्चन चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अच्छी बात क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा काम, मेरा काम क्या है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस बिजनेस में और इस काम को करने में जो भी मेरे को सक्सेस मिली है, अभी छोटी मोटी जो भी है वो आगे और भी मिलेगी डेफिनेटली, मैं लगा रहूंगा। तो मेरा काम क्या है कि मैं सिर्फ आपको इस बिजनेस को एक अच्छे नजरिए से दिखाऊं। देखिए बात क्या है ना, आप इसको एक अच्छे नजरिए से देखिए, अभी थोड़ा सा और इसके बारे में समझिए, रिसर्च करिए कंपनी के बारे में, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करिए, जितना सोचना है पहले सोच लीजिए, जैसे ही आप इस कंपनी में रजिस्टर करके काम करना स्टार्ट करेंगे ना दोबारा सोचिएगा मत, बिकॉज अगर आप दोबारा सोचेंगे, दोबारा सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते, ओवर एनालाइज करेंगे ना अगर आप किसी चीज को, जैसे कहते नहीं है कि ज्यादा जो एनालाइज करता है वो पैरालाइज हो जाता है मेंटली, तो ज्यादा एनालाइज मत करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, समझिए, सोच समझ के कदम रखिए। कंपनी बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी बहुत ही जबरदस्त है, रुपया ज्यादा लगता नहीं है, खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ पाने के लिए फ्री में कंपनी आपको तैयार करेगी, फ्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप एक अच्छा अपना काम कर सकते हैं। देखिए ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, जब मेरे लाइफ में आई थी तो मैंने एकदम से इसके लिए मैं पॉजिटिव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा और इसके जो भी पॉलिसी समझी, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझा, वेलनेस इंडस्ट्री को समझा, और मुझे लगा इससे बढ़िया काम कोई और हो ही नहीं सकता। और कभी कभी कुछ लोग मुझे मिलते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग, भाई मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करूंगा, तुम्हारी कंपनी में बहुत फायदा होगा, मैं तुम्हारी कंपनी को बहुत बिजनेस दे दूंगा, बहुत बिजनेस दूंगा, तो इस टाइप के भी लोग होते हैं। चलो देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, अगर आप इस काम को करते हैं, देखिए कंपनी तो ग्रो करती चली आ रही है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस का कॉम्बिनेशन है ये, कंपनी तो बहुत ही स्पीड से ग्रो करती ही रहेगी, आप जुड़े या ना जुड़े, आप काम करें या ना करें, कंपनी तो बहुत स्पीड से ग्रो कर ही रही है। अगर आप इस कंपनी में आते हैं, कंपनी का सिर्फ आपके आने से 1% फायदा होगा, लेकिन आपका 99% फायदा होगा, 99%। ओके, इस काम को अच्छी तरीके से सोच समझ के करिए और अच्छे एक स्मार्ट नेटवर्क मार्केटर की तरह करिए, डेफिनेटली इसमें बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप, और आगे आने वाले टाइम में तो ऐसा कहा गया है अगर थोड़ा सा रिसर्च के हिसाब से तो 2025 तक तो इसका तो अभी तो बूम आना स्टार्ट है, अभी तक तो एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसा एरोप्लेन है जिसने उड़ान अभी भरी नहीं है, वो तो अभी सिर्फ अपनी अभी रनवे में सिर्फ चल ही रहा है, इससे पहले कि वो उड़ान भरे आप बैठ जाओ उसके अंदर, ये मैं बोलूंगा। तो देखिए ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये नेटवर्क मार्केटिंग का कि यहाँ पे कोई अपलाइन डाउनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शब्द यूज होते हैं अपलाइन डाउनलाइन, बट एक्चुअली क्या है कि हम सभी लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं। ओके, देयर इज नो अपलाइन नो डाउनलाइन, वी ऑल आर बिजनेस पार्टनर्स। ओके, सब लोगों को मिलकर अगर हम काम करें तो बहुत अच्छा इसमें तरक्की कर सकते हैं, खूब रुपये कमा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, एवरीथिंग, वी कैन रियली एन्जॉय द लाइफ। ओके, इट गिव्स अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल को बहुत इंप्रूव कर सकता है। देखिए रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी मैं काफी बुक्स पढ़ता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि टेकिंग अनदर जॉब विल नॉट फिक्स द प्रॉब्लम, क्रिएटिंग एडिशनल पाइपलाइंस ऑफ कैश फ्लो इज द सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ फाइनेंशियल क्रंचेज हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार चलो मैं जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में चले जाता हूँ, अगेन यू विल गेट फिक्स टू दैट पर्टिकुलर रेट रेस, उसमें फिर से ज्यादा फंस जाएंगे आप, राइट, यू विल गेट स्टक टू दैट रेट रेस अगेन, बट इफ यू क्रिएट एन एडिशनल पाइपलाइन ऑफ कैश फ्लो ना, वही एक सॉल्यूशन है, राइट। तो बहुत अच्छी कोट है इनका, रॉबर्ट कियोसाकी का। सो थैंक यू वेरी मच आपने इस वेबिनार को अटेंड किया। माय नेम इज तरुण अग्रवाल, आई एम अ मैनेजर इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये मेरी वेबसाइट है healthy-business.flp.com, ये वही वेबसाइट है जो मैंने FLP का जो FLP 360 टूल है उसके थ्रू मैंने बनाई है, आप थोड़ा सा देखिएगा इसको। देखिए अभी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इसको एक अच्छे नज़र से देखिए, आप इसको थोड़ा सा और समझिए, आपको जिसने भी ये मतलब आपको जिसने भी इनवाइट किया है इस वेबिनार में उससे थोड़ा सा और डिस्कशन करिए, एंड सोच समझ के इसको एक अच्छे काम इस अच्छे काम को स्टार्ट करिए। ओके, आप चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे 15,000 रुपये कमाते हो, चाहे आप 2 लाख रुपये महीना कमाते हो, अगर आप 15,000 रुपये कमाते हैं तो आपको ये काम करना चाहिए बिकॉज आपको रुपये की ज़रूरत है, मगर अगर आप 2-2.5 लाख रुपये महीना कमाते हैं तब भी आपको ये काम करना चाहिए बिकॉज आपको वो 2-2.5 लाख रुपये जो कमा रहे हैं ना उसको खर्च करने के लिए आपको समय चाहिए, समय की प्रॉब्लम और ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये दोनों चीज़ों को सॉल्व कर सकती है ये बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
दिस अपॉर्चुनिटी इज ओपन फॉर यू और मैं आपको वेलकम करता हूँ. आप आइए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करिए. और आज इस वेबिनार को अगर आपने पूरा सुना है ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है. अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल करते हैं, तो मैंने आपसे इस वेबिनार में आपसे एक हक छीन लिया है कि आप अपनी लाइफ में आज से कुछ सालों बाद कभी भी ये ना बोल पाए कि यार भगवान ने या लाइफ ने मुझे यह कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी. अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे आपको स्ट्राइक कर रही है. डजंट मैटर कि आपकी कितनी एज है, दिस इज द राइट टाइम टू बी इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ बिजनेस. लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी नज़र से देखना स्टार्ट कर दिया लोगों ने. लोग वेलनेस इंडस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ रहे हैं. लोग ऐसा ही कोई ना कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं. आप जितना जल्दी इस काम में इन्वॉल्व होंगे उतना आप ही के लिए अच्छा है. सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी लाइफ. सो थैंक यू.